को 300 साल पुरानी बात है, जबकि पाकिस्तान नहीं बना था। पाकिस्तान में एक जगह है मुल्तान, वहाँ का एक बड़ा धनी व्यक्ति, कुछ नाम उसका रामलाल कपूर को जैसा नाम था, बड़ा धनी व्यक्ति था, भक्त था वो, कपूर जी भक्त थे कृष्ण भगवान के। कृष्ण भगवान ने उनको स्वप्न दिया और कहा कि तुम वृंदावन आओ। उन्हें परिवार के लोगों को बोला मैं आगरा जा रहा हूँ व्यापार के लिए, आगरा के पास ही है वृंदावन। वृंदावन वो इस भाव से आए कि भगवान ने हमें उन्हें यहाँ बुलाया है, दर्शन देंगे। लेकिन दर्शन नहीं हो रहे उनको, बड़े ललायत हैं बेचारा, बड़ा भाव। अब देखो कभी कभी भगवान परीक्षा भी ले लेते हैं। क्या हुआ कि उनकी जो है नेत्र ज्योति चली गई, दिखाई नहीं देता। बिना नेत्रों के कितना कठिन होता है, नेत्रों के बिना बड़ा कठिन। नेत्र ज्योति जब कपूर जी की चली गई, बड़े परेशान। तो राधा जी वृंदावन में ही, वृंदावन एक बात याद रखो, राधा श्याम सुंदर जो हैं ये वृंदावन नहीं छोड़ के जाते। भगवान के अनेकों रूप हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, पर जो वृंदावन के भगवान है ना, इसको भगवान नहीं छोड़ते, यहाँ रहते हैं सदा सदा रहते हैं। तो ये ब्रज जो है इसकी नियंता राधा रानी है। तो रामलाल जी की मैं बात सुना रहा था आपको, बेचारे नेत्रहीन हो गए, बड़ी परेशानी है, लेकिन भगवत दर्शन की इच्छा नहीं छोड़ी हर हालत में। ये नहीं कि देखो भगवान किसी भी हालत में अपने भक्त को डालते हैं, भक्त उसी में प्रसन्न रहता है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। चाहे सुख हो या दुख, चाहे हंसी हो या गम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। तो भक्त सीखते हैं इन बात को। अगर जो भक्त नहीं है, थोड़ा कष्ट होगा दुखी हो जाते हैं, थोड़ा सा अगर सुख हुआ तो खुश हो जाते हैं। नाम ने दुख में दुखी और सुख में सुखी नहीं होना, एक समान रहना सीखना है। एक दिन राधा रानी ने उनको देख लिया, कपूर जी को बेचारे बड़े वो बिना नेत्रों की बड़ी परेशानी है। ये कोई 300 साल पुरानी बात है, यहीं ब्रज में की जगह है सुरभि कुंज, वहाँ की बात है ये। तो राधा रानी सब जानती हैं, वो गई कृष्ण भगवान के पास और कहा ये श्याम सुंदर, आपने इस बेचारे को मारने के लिए बुलाया था यहाँ। कहते क्यों, तो आप दर्शन क्यों नहीं देते उसको, बेचारा अभी नेत्रहीन हो गया। तब परमपिता ने क्या कहा, देवी तुम वृंदावनेश्वरी हो, तुम वृंदावन की रानी हो, महारानी हो, तुम्हारी अनुमति के बिना मैं कैसे उसको दर्शन दे। देखो राधा जी की कृपा के बिना श्याम की कृपा नहीं मिल सकती। तब राधा जी ने कहा प्रभु चलो जल्दी उसको दर्शन दो, बहुत दुखी है। दोनों राधा श्याम सुंदर आगे उनके पास, वो बेचारे नेत्रहीन हैं। तो मैया ने क्या किया, राधा रानी ने उनकी आंखों में थोड़ा सा अंजन डाला, माना उनकी नेत्र ज्योति वापस आ गई राधा माता के स्पर्श मात्र से ही। सामने क्या देखा उन्होंने, युगल सरकार बैठी हुई है। वो जो विग्रह थे उनका नाम उन्होंने रखा नैना नंद, आज भी इसी नाम से विग्रह है वहाँ पर। आँखों का आनंद तो भगवान के दर्शन ही हैं।